नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। गलवन में 15-16 जून की रात में जो कुछ हुआ आज उसे 20 दिन बीत चुके हैं। एलएसी पर भारत ने जबरदस्त तैयारी की है, इससे जहां चीन को कठोर संदेश भेजा जा रहा है वहीं आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर भी काफी हद तक तोड़ दी है। पिछले 20 दिनों में देश ने चीन को घुटनों पर लाने के लिए जो निर्णय किए उनसे चाइना का पूरा तंत्र हिल गया है। भारत सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह चीन पर शिकंजा कस चुका है। 15 जून की रात को पीएलए से हुई झड़प के बाद भारत ने ड्रैगन को 20 बड़े झटके दिए हैं। आइए नजर डालते हैं कि भारत ने कैसे चीन को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया है। चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून 2020 की शाम हुई, जब 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया। इसमें टिकटॉक, हेलो, लाइक वीगो वीडियो और ड्यू रिकॉर्डर सहित कई प्रचलित ऐप थे। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक केवल टिकटॉक और हेलो ऐप पर बैन से चीन की बाइट डांस कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान की उम्मीद है। भारत में 5G इंटरनेट शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTN ने भी 5G सेवा विस्तार के लिए चीनी कंपनियों को ठेके दिए थे, जिन्हें सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। 3 जुलाई 2020 को भारत सरकार के बिजली मंत्री आरके सिंह ने चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात बंद करने की घोषणा की है। भारत प्रतिवर्ष 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए के उपकरण अकेले चीन से ही आते हैं। 3 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोच सप्लाई की निविदाएं खुलने पर चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया। दोनों प्रोजेक्ट में 67 ट्रेनों के लिए कोच की आपूर्ति होनी है। अब ये ठेका गुजरात की बॉम्बियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। नीतीश सरकार ने 28 जून को पटना में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का ठेका निरस्त कर दिया है। ये पुल मौजूदा महात्मा गांधी सेतु की बगल में बनना है। इसके साथ ही 15 किलोमीटर सड़क भी बननी है। पूरा ठेका 29 अरब 29 करोड़ रुपए का है। प्रोजेक्ट में चुने गए 4 ठेकेदारों में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। कानपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच वर्ष 2016 में चीनी कंपनी को सिग्नलिंग के लिए 471 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। रेलवे ने मौजूदा तनाव के बीच यह ठेका भी रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने को 1000 ई बसें उतारने की तैयारी में है। इसके लिए चीन से बस के पार्ट्स खरीदकर भारत में असेंबल करने की योजना थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि चीन से कोई भी पार्ट्स नहीं खरीदा जाएगा। दिल्ली सरकार ने यूरोपीय देशों में संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें चीन निर्मित खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक का हर सामान शामिल है। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बाजार में चीनी मोबाइल से लेकर अन्य उत्पादों की बिक्री लगभग बंद है। व्यापारियों ने भी चीनी उत्पाद से तौबा कर ली है। बिहार में हर महीने चीन से करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो अब तेजी से सिमट रहा है। दिल्ली के व्यापारियों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार दीपावली पर केवल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का सामान भारतीय बाजारों में पहुंचता है। पूरे देश में दीपावली पर चीन से तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए का सामान आता है। पंजाब के फेडरेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने भी ऑटो निर्माण कंपनियों से चाइनीज पार्ट्स की जगह भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल करने को कहा है। भारत चीन के बीच 15 जून को शुरू हुई तनातनी के बाद भारत सरकार ने FDI के जरिए चीनी कंपनियों के निवेश को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2009-10 में चीन का भारतीय कंपनियों में निवेश $41 करोड़ था। वर्ष 2014-15 में चीन ने भारतीय कंपनियों में सर्वाधिक $49 करोड़ 48 लाख का निवेश किया था। वर्ष 2018-19 में चीनी निवेश $22 करोड़ 90 लाख और 2019-20 में $16 करोड़ 38 लाख का निवेश किया गया। मगर अब चीन पर पूरी तरह नकेल कस दी गई है। भारत सरकार ने चीन को भारत बाजारों से खदेड़ने के लिए सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों की माने तो अकेले भारत से चीन को 5,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान के आसार हैं। इससे चाइना की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, साथ ही लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।